भीम कीचड़ में खेलकर मिट्टी के लड्डू बना रहा होता है, तभी भीम की नजर अपनी माँ पर पड़ता है और देखता है कि उसकी माँ के हाथों में लड्डू से भरा एक टोकरी पकड़ी हुई है, जिसे देख भीम के मन में लालच आ जाता है और अपनी माँ से एक लड्डू। भीम की माँ उसे उठाकर नल के पास रख देती है और कहती है कि पहले नहा लो, उसके बाद ही तुम्हें लड्डू मिलेंगे। कहकर लड्डू से भरा टोकरी भीम की माँ बगल में रखकर अंदर चली जाती है। वहीं बगल में एक सुअर तितलियों के साथ खेल रहा होता है, तभी उसकी नजर बगल में रखे लड्डू पर पड़ती है। लड्डू को खाने के लिए जाता है, लेकिन भीम उस टोकरी के पास पहले पहुंचकर उसे उठाकर भागने लगता है। भीम और सुअर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और दीने कीचड़ में नहा जाते हैं और वहीं उदास होकर बैठ जाते हैं। अभी इसी बीच भीम की माँ वहाँ पहुंच जाती है और भीम और सुअर को उदास बैठाते कीचड़ में नहाए खूब हंसती है। अगर आप भी अपने देश, अपनी भारत माता, अपनी माता से प्यार करते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कि माँ उन दोनों को रगड़ रगड़ कर शैम्पू से नहा देती है, उसके बाद दोनों को लड्डू खाने के लिए देती है। इसके बाद दोनों गहरे दोस्त मित्र बन चुके हैं।